आइए क्लास अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज पार्ट 1। क्लास ये तो आप समझ ही चुके हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लास पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि इस आधार पर कि एक मोनोसैकेराइड्स में कितने कार्बन एटम हैं, और दूसरा है इस आधार पर कि उस मोनोसैकेराइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एल्डिहाइडिक या कीटोनिक। इन दोनों ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स को हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर हमने एक टेबल फॉर्म की है जिसमें सबसे पहले है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद है जनरल टर्म, उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो क्लास पहला हमारा जो मोनोसैकेराइड है इसमें 3 कार्बन हैं और इसको हम बोलते हैं ट्रायोज, और अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ तब इसको हम बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, और अगर कीटोन है तो कीटो ट्रायोज, और इसी प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं मोनोसैकेराइड्स को। इसी में आगे है 4 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड, इसी प्रकार से ऐसा मोनोसैकेराइड जहां 5 कार्बन हो, और उसके बाद 6 कार्बन वाला। तो आइए क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोनोसैकेराइड से, जहां पर हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज को। तो क्लास ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो है C6H12O6। अगर ग्लूकोज के सोर्स की बात करें तो इसका जो सबसे मेजर सोर्स है वो है नेचर, यानी कि प्रकृति, जहां पर ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी उपलब्ध है। ग्लूकोज के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं पके हुए अंगूर और हनी यानी कि शहद। चलिए क्लास अब देखते हैं कि ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो क्लास इसका पहला मेथड तो है सुक्रोज से। जब सुक्रोज की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, या हम यूं कहें कि सुक्रोज को डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज किया जाए, और अगर डाइल्यूट HCl उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 भी यूज किया जा सकता है, तब हमें मिलता है ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज प्राप्त होता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम स्टार्च और सेल्युलोज। जब स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ 393 केल्विन और 2 से लेकर के 3 ATM प्रेशर पर, तब ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। आइए क्लास अब बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। तो क्लास जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं या उस स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन। और जब क्लास ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन किया जाता है तो हमें मिलते हैं ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर, जिनमें से पहला है ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा है साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर। और ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन किया गया है, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की। तो क्लास सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला पता लगाया गया, जो कि मिला C6H12O6, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर दिया गया वो कुछ इस प्रकार से था। आइए इस स्ट्रक्चर को केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास सबसे पहली रिएक्शन है हीटिंग विद HI। तो क्लास जब ग्लूकोज को HI के साथ हीट किया गया तब N-hexane प्राप्त हुआ, जो कि एक सिंपल चेन या नॉर्मल चेन हेक्सेन है, जिसमें 6 कार्बन एक ही चेन में लाइन से लगे होते हैं। इस रिएक्शन से ये कॉन्क्लूजन निकाला गया कि ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, यानी कि ग्लूकोज में जो भी 6 कार्बन मौजूद हैं वो एक स्ट्रेट चेन में आपस में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन से, तब हमें एक ऑक्साइम प्राप्त हुआ जिसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन थी हीटिंग विद HCN। जब ग्लूकोज को हीट किया गया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ,
तब सयानोहाइड्रिन प्राप्त हुआ, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास ये दोनों ही रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स शो करते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। तो क्लास इन दोनों ही रिएक्शन से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो ग्लूकोज होता है उनमें कार्बोनाइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ब्रोमीन वाटर। जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर के साथ, तब ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हुआ। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस रिएक्शन से जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्योंकि Br2 जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं, तो अगर हमारे ग्लूकोज में कीटोनिक ग्रुप होता तो इसका Br2 वाटर के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होता। बट क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए ग्लूकोज में कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है बल्कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो उससे हमें मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड पाया गया। अब क्लास इससे ये कॉन्क्लूजन निकला कि 5OH ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, यानी कि एक तो ग्लूकोज के अंदर 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं और वो 5ों एल्कोहलिक ग्रुप भी डिफरेंट कार्बन्स पर लगे हुए हैं। क्योंकि अगर एल्कोहलिक ग्रुप सेम कार्बन पर लगे होते तो बनने वाला जो पेंटा एसिटेट था वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्लास जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया गया एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ, तब हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला जिसमें CHO ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था। अब जब इसी ग्लूकोनिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया गया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड के साथ, तब जो टर्मिनल OH था वो भी ऑक्सीडाइज हुआ और हमें मिला सैक्रिक एसिड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे क्या कॉन्क्लूजन मिला? प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक OH ग्रुप इन ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई ऐसा OH ग्रुप है जो टर्मिनल है और जिसको नाइट्रिक एसिड सीधे OH ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता है। तो क्लास 5OH ग्रुप्स होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ये तो पेंटा एसिटेट बनने से ही कन्फर्म हो चुका था, बट उन 5OH में से एक OH टर्मिनल है। ये बात भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन के बाद सैक्रिक एसिड बनने से कन्फर्म हो जाती है। लेकिन क्लास ग्लूकोज के अंदर जो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट है OH ग्रुप्स का, वो सबसे पहले दिया गया था फिशर के द्वारा, और फिशर ने ये अरेंजमेंट ग्लूकोज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद दिया था। और ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और उसके बाद ये बताया गया है कि ये OH का जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से है। यहाँ पर जो एल्डिहाइडिक कार्बन है इसको हम नंबर देते हैं 1, उसके बाद 2, इसी प्रकार से 3, 4, 5, और सबसे लास्ट वाले कार्बन को नंबर दिया जाता है 6। यहाँ पर जो दूसरे वाले कार्बन पर OH लगा है वो राइट साइड में है, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड में, उसके बाद वाला OH लेफ्ट, देन राइट, और उसके बाद भी 5वें कार्बन का OH राइट में है। तो इस प्रकार से फिशर ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया था। तो क्लास आइए इस स्ट्रक्चर को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्केलेटन लेते हैं जिसमें सबसे ऊपर CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है और सबसे लास्ट में CH2OH ग्रुप है। अब इनके बीच में 4 कार्बन्स हम इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। अब क्लास हमारा जो OH लगाने का जो कोड है वो कुछ इस प्रकार से है, RLRR, यानी कि ये RLRR OH की पोजीशन है। तो इनके अकॉर्डिंग हम OH लगा देंगे कार्बन पर और दूसरी तरफ सिंपली H लगा देंगे। तो ये वाला OH हो गया राइट में, देन OH लेफ्ट में, उसके बाद OH राइट में, और फिर से OH राइट में। तो इस प्रकार से रेडी हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर।
अब क्लास, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज हमने फॉर्म किया है, इसका जो करेक्ट नेम है वो है डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब क्लास, ग्लूकोज तो हम समझ गए, बट ये डी पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्लास, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो डी ग्लूकोज होगा या फिर वो एल ग्लूकोज होगा। तो आइए इनको समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया है, और अगर ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, यानी कि फिफ्थ कार्बन, उसका जो OH है, अगर वो हमारे राइट हैंड साइड में हो, तो इसीलिए इसको हमने कहा है डी पॉजिटिव ग्लूकोज। यहाँ पर जो D है, ये इंडिकेट करता है कि जो OH ग्रुप है फिफ्थ कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पर ग्लूकोज के केस में, वो हमारे राइट हैंड साइड में है। जबकि पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो दिया हुआ ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि ये एक डेक्स्टो रोटेटरी ग्लूकोज है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक दूसरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिफ्थ कार्बन पर, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH है, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और ऐसे ग्लूकोज की नेमिंग में हम यूज करते हैं कैपिटल L, इसलिए इसका नाम होगा L माइनस ग्लूकोज। यहाँ पर L इंडिकेट करता है कि OH जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन का OH, और यहाँ पर ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये वाला ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि ये एक लीवो रोटेटरी ग्लूकोज होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में आपको डेक्स्टो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स मिल ही जाएं। कोई कंपाउंड डेक्स्टो रोटेटरी होता है, तो कोई कंपाउंड सिर्फ लीवो रोटेटरी हो सकता है।